हेलो एवरीवन, वेलकम टू निर्माण इंग्लिश। दोस्तों आज हम लोग बात करेंगे बिल्कुल सिंपल सा, जी हाँ, EGMR से WH वर्ड वाला ट्रांसलेशन कैसे बनाया जाता है। अपने इस क्लास का मोटो ही है लर्न राइटिंग एंड स्पीकिंग फ्लुएंटली, है ना। हम लोग ये छोटे छोटे सेंटेंस के माध्यम से बड़ा बड़ा सेंटेंस, 10-10 लाइन का सेंटेंस बनाने वाले हैं आगे चल के, क्लियर ना। तो आज के वीडियो में हम लोग बात करेंगे EGMR का WH वर्ड। सबसे पहले ये जानते हैं WH वर्ड होता क्या है। देखिए, जैसे हम लोग वाट का बात किए, वाट WH वर्ड आ गया, है ना। हम लोग बात किए वेयर, व्हेन, व्हाई, हाउ, ये सब आपका WH वर्ड है, यानी W या S से स्टार्ट होने वाला वर्ड को हम लोग WH वर्ड बोलते हैं। ओके जी, देखिए ये जो अपना WH वर्ड है, इसके बाद हम लोग क्या करते हैं, हेल्पिंग वर्ब का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं? WH वर्ड के बाद हेल्पिंग वर्ड, और हेल्पिंग वर्ड बोले तो कौन सा भी, EGMR, जी हाँ। तो WH वर्ड के बाद हम लोग EGMR, आपको पता है ना, वन पर्सन प्लेस थिंग्स और एनिमल के लिए इज का यूज करते हैं, आई के लिए एम का यूज करते हैं, और मोर देन वन पर्सन प्लेस थिंग्स और एनिमल के लिए आर का यूज करते हैं। ओके जी, चलिए उसके बाद हम लोग बात करेंगे सब्जेक्ट का। किसका बात करेंगे? सब्जेक्ट का। और उसके बाद हम लोग बात करेंगे ऑब्जेक्ट का, बस खत्म कहानी। और लास्ट में हम लोग लगाएंगे क्वेश्चन मार्क। ओके, हम लोग पिछले क्लास में बात किए थे, जब भी दुनिया किसी भी सेंटेंस में सब्जेक्ट से पहले अगर हेल्पिंग वर्ब है तो उस सेंटेंस में क्वेश्चन मार्क लगेगा, याद है। चलिए, तो ये आप लोग का स्ट्रक्चर है, इसके माध्यम से बहुत सारा हम लोग एग्जाम्पल करने वाले हैं, तो ध्यान दीजिएगा, आप लोग खुद से बनाने का प्रयास कीजिएगा, फिर हम बताएंगे। ओके, चलिए स्टार्ट करते, जरा इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखिए आपके सामने आ गया, प्रिया कैसे गरीब है, प्रिया कैसे गरीब है, और कैसे के लिए हाउ का यूज करेंगे। हाउ मीन्स कैसे, तो हाउ और प्रिया के लिए EGMR में से क्या लगाएंगे, इज लगाएंगे। तो हाउ इज प्रिया, हाउ इज प्रिया पुअर, हाउ इज प्रिया पुअर। ओके, नेक्स्ट है मैं कैसे बुरा हूँ, मैं कैसे बुरा हूँ, क्या करेंगे पता है, कैसे, तो हाउ एम आई बैड, हाउ एम आई बैड। ओके जी, नेक्स्ट सेंटेंस आप लोग के सामने है, आप क्यों परेशान हैं, आप क्यों परेशान हैं, क्यों के लिए वाई का यूज करते हैं, वाई आर यू ट्रबल, वाई आर यू ट्रबल। ओके जी, नेक्स्ट है आप लोग क्यों उदास हैं, आप लोग क्यों उदास हैं, क्यों का करेंगे हम लोग वाई, हाँ वाई आर यू सैड, वाई आर यू सैड, आप लोग क्यों उदास हैं, वाई आर यू सैड। नेक्स्ट क्या है, आपके पिताजी कहाँ हैं, आपके पिताजी कहाँ हैं, कहाँ के लिए वेयर होता है WHERE, वेयर इज योर फादर, Where is your father? तो ये था आप लोग का WH से रिलेटेड कुछ सेंटेंस। आप लोग इसके थ्रू हजारों सेंटेंस प्रैक्टिस कीजिए, फिर मैं ऐसे ही छोटा सा वीडियो लेके आता हूँ जो आपका टाइम भी वेस्ट ना हो, खाते समय नाश्ता करते समय आप वीडियो देख लें, समझ में आ जाए, उसके बाद प्रैक्टिस करते रहें। फिर नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।